हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में मैं काली जी के इस चित्र का जो है मैं आउटलाइन बताऊंगी। तो पहले जो है आपको ग्रिड सामने ही दिख ही होगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो ऊपर में 6 बॉक्सेस है और साइड में जो है 8 बॉक्सेस है। तो मैं ये कुछ बड़े शीट पे बना रही हूँ, जो भी आप कोई भी शीट पे बना सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी उसका लंबाई चौड़ाई होगा वो सेम रखना। अगर मान लो कि आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो उसका लेंथ और क्या बोलते हैं ब्रेथ दोनों जो है वो 2 सेंटीमीटर का है, मतलब स्क्वायर शेप में होगा। अगर वो रेक्टेंगुलर बनेगा तो वो अच्छे से नहीं बनेगा, मतलब वो टेढ़ा या चौड़ा बन जाएगा। तो इस तरह करके आपको 6 बॉक्सेस ऊपर और साइड पे 8 बॉक्सेस लेना है। और ये जो है फ़ोटो मैं ग्रिड के साथ जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रिड के साथ भी दे दी हूँ, तो आप उसको भी डाउनलोड करके एज इट इज़ जो है वो सेम बना सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे ये जो पेपर ली हूँ, ये कार्टिज पेपर ली हूँ, कार्टिज पेपर मैं बना रही हूँ। और इसको मैं ऑयल पेस्टल से करूँगी कलरिंग। इसका जो है वो भी नेक्स्ट पार्ट में जल्दी से अपलोड हो जाएगा, तो आप देखते रहो और सीखते रहो। तो यहाँ पे मैं जो है नंबर नहीं दी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा, क्योंकि ज़्यादा बॉक्सेस नहीं था साइड में और ऊपर में, तो मुझे बनाते बनाते तो आदत हो गया। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप ऊपर में 1, 2, 3, 4 नंबर दे सकते हो, ठीक है। तो आप नंबर देख देख के कर सकते हो अगर बॉक्सेस आपको गिनने में गलती हो तो। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा कि मतलब इतना कम बॉक्सेस में बनाने में अगर दिक्कत हो रहा होगा, तो आप उसके बॉक्सेस को साइड क्या बोलते हैं ज़्यादा बॉक्सेस भी ले सकते हो, उससे बना सकते हो अगर उसमें दिक्कत हो रहा है। पर यहाँ पर जो है मैं वीडियो अपलोड की कर दी हूँ, पर आप उसको देख देख के बनाओगे तो शायद थोड़ा कम मुश्किल हो। मुझे मेरे ख्याल से आप लोगों से बन जाएगा। तो आप लोग जो है ग्रिड को फॉलो कर सकते हो और मैं जो बना रही हूँ उसको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको समझ में, जैसे बॉक्सेस के अंदर में जो स्पेस है वो भी बहुत ही रहता है, उसमें भी अगर अच्छे से आपको क्या बोलते हैं वो अंदाज़ा लगाने नहीं आएगा तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे मैं अंदाज़ा लगा के बनाई हूँ। यहाँ पे आईज़ में मैं यहाँ पे क्रॉस वाला जो है वो मैं नहीं की हूँ। अभी यहाँ पे बॉक्स के अंदर आप देख सकते हो कि मैं आईज़ को कैसे बना रही हूँ। आईज़ को देख के आप बना सकते हो। आईज़ ही जो है ये फेशियल एक्सप्रेशन का जो मेन पार्ट होता है। आप अगर इसको अच्छे से करोगे तो फेस का जो एक्सप्रेशन है वो अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे फेस जो है वो बहुत ही रुद्र रूप का है माँ काली जी का। तो आप देखो फेस में ही ज़्यादा एक्सप्रेशन है, फेस और जो टंग है उसमें। तो टंग को तो मैंने पहले ही बना दिया है, फेस के आईज़ को अंदर से बना रही हूँ और इसको मैं ऑयल पेस्टल से करूँगी। वैसे मैं ऑयल पेस्टल नहीं करती हूँ, पर फिर भी मैं इसमें कोशिश करूँगी ऑयल पेस्टल करने का। मैं पहले एक ऑयल पेस्टल का काम की थी जो मैं बनाई थी गंगू बाई का, बहुत ही पहले, बहुत दिन पहले। तो बहुत दिन ऑयल पेस्टल से कुछ बनाई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसको ऑयल पेस्टल से ही किया जाए। तो ऑयल पेस्टल से जो भी इसका वीडियो है नेक्स्ट पार्ट होगा वो बहुत ही जल्द आएगा। तो आप लोग अगर बनाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, एक जो है ग्रिड के साथ भी रहेगा और नॉर्मली जो है ये फ़ोटो का भी रहेगा लिंक। तो आप इस तरह करके देखो, इसमें बस मैंने पेंसिल और ये नॉर्मल सा इरेजर का यूज़ किया है, बस इस तरह करके देख सकते हो। यहाँ पे चाहो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और तो वीडियो को आप क्या बोलते स्पीड कम करके भी रख सकते हो। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब।